अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी चंगे भले होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट सी चिकन कबाब के, शामी कबाब की रेसिपी। तो ये बड़े झटपट से बन जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि डाल के रख दो तो ये करो तो वो करो, ठीक है। तो झटपट सी रेसिपी है, तो कुछ चीज़ें घर में मौजूद थी, कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं थी, तो हमें जाके मार्केट से लेकर आ गई। मैं थोड़ी सी चने की दाल चाहिए थी, हमें तो थोड़ी सी चने की दाल है। एक्चुअली मेरे पास चने भी रखे हुए थे, लेकिन मैंने कहा चलो नहीं, चने की दाल से थोड़ा सही जल्दी हो जाएगा, तो मैं चने की दाल लेकर आ गई यहाँ पर। और यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिकन चाहिए था हमें, हमने लिया है चिकन, थोड़ा सा चिकन ले लिया। और यहाँ पे लिया है धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची। और यहाँ पे ले लिया था कुछ मसाले वगैरह। तो झटपट सी रेसिपी है, जैसे जैसे करती रहूँगी वैसे वैसे आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँ क्या क्या कर रही हूँ और क्या क्या नहीं कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को जानना हो कि हम धनिया, पुदीना, मिर्चे जो हैं ज़्यादा टाइम के लिए कैसे सेव करके रख सकते हैं, ख़राब ना हो बिल्कुल, तो मुझे बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और तो मैं आपको उसकी वीडियो आगे सेंड करूँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, उसकी वीडियो भी बना के कि कैसे इनको हम सेव करके रख सकते हैं 12-15 दिन के लिए, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे जैसे मैं चीज़ें करती रहूँगी साथ साथ वैसे वैसे दिखाती रहूँगी, वो टेबल पर सजा के एकदम से ऐसे भी टाइम इतना लेगा तो ऐसा नहीं कर सकती, तो इसलिए जब सजाने वाली वीडियो होती तो सजा के भी दिखाती हूँ, ऐसे भी इतना टाइम नहीं है, तो जो जो जैसे जैसे करती रहूँगी वैसे वैसे आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर ले लिया था हमने आधा किलो कीमा, आप चाहें तो बोटियाँ भी ले सकते हैं, यानी कि मैंने बोनलेस लिया था, इसका कीमा करवा लिया था, आप चाहें तो वो वाला ही बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी मैं झटपट से रेसिपी बना रही थी तो मैं इसकी अलग रेसिपी दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वाले शाम के बाद भी शेयर करूँगी, जो एक साथ सब कुछ डाल के चढ़ा देते हैं और सब एक साथ गल जाता है, साबुत साबुत चीज़ें डालते हैं, तो वो वाली बहुत अच्छी बनती है, ये वाली भी अच्छी है। मैं आप लोगों को झटपट वाला शामी कबाब भी का बता रही थी। अच्छा, तो मैंने कीमा ले लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, उसमें मैंने चॉप करके लहसुन और अदरक को डाल दिया था कीमे के अंदर ही, और मैंने उसके अंदर अच्छे से उसको वॉश किया है। उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है मैंने इसको बॉयल करने के लिए, रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक इसके अंदर डाल दिया है और इसको चढ़ा दिया है, यानी कि फ्लेम ऑन कर दी है। दूसरी साइड पे मैंने जो चने की दाल दिखाई थी आपको, मैंने ली थी 3-4 खाने के चम्मच चने की दाल ले ली थी, और एक बड़ा मैंने आलू ले लिया है, इसको भी मैंने मैंने अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद जो मेरा चिकन का पानी था उसमें से मैंने चिकन को सारा ड्राई कर लिया, हल्का हल्का सा बिल्कुल पानी बचा था 2-3 टेबल स्पून के करीब, तो उसमें मैंने चिकन को निकाल लिया बॉईल करके, और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी और ऐड करके आलू और चने की दाल डाल के उसको फ्लेम ऑन करके रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च ली, उनको कट कर लिया है, और मैंने धनिया की आधी गड्ढी से भी कम, एक मुट्ठी मैंने धनिया और एक बड़ी मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है, ठीक है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। और मिक्सर के अंदर चिकन डाल दिया है, और उसके बाद धनिया पुदीना डाल दिया है, बॉयल आलू डाल दिया है, और जो मैश चने की दाल थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें सारी चीज़ें डालने के बाद जो इसके मसाले वगैरह हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम बॉयल हुई हुई चने की दाल भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दाल डाल दी है, अब जो बाकी आधा चम्मच अदरक डाल रहे हैं, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाल रहे हैं हम लोग, गरम मसाला पाउडर कुटी मिर्च चम्मच, हमने भर के जीरा डाल दिया, आधा चम्मच नमक डालेंगे, नमक डालेंगे और फिर सारा मिक्स करने के बाद टेस्ट करेंगे, जिस जिस चीज़ की कमी होगी वो चीज़ दोबारा ऐड कर देंगे। बन के तैयार हो गया, अब इसमें से हम खा लेंगे मिक्सचर, और इसको ऐसे ऐसे करके कबाब की शक्ल में बनाएंगे, और आपको बनाते हैं फिर दिखाते हैं। आप लोग चाहें तो मिक्सर में भी इसको मिक्स करके वैसे कबाब बना सकते हैं, और आप लोग चाहें तो इस किसी भी देगची या प्याले में लेकर बाउल में लेके आप उसमें भी सारा मिक्स हाथ से करके, बारीक बारीक काट की चीज़ें उसको आराम से हाथ से मिक्स करके ऐसे कबाब बना सकते हैं। मैंने बना के फ्रीज कर दिए थे कबाब, इतने चीज़ों में 6 कबाब बने थे। फिर मैंने एक अंडा लिया, उसको फेटा अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाला, उसके बाद उसमें मैंने कबाब को डिप किया अच्छी तरह से, दोनों साइड कोट कर लिया अंडे का। फिर फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया, और उसके बाद मैंने इसको एक साइड से फ्राई किया। मैंने अंडा थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया क्योंकि ज़्यादा अंडा अच्छा लगता है मुझे भी, तो इसलिए तो मैंने ऑयल लिया, उसमें दोनों साइड से मैंने इसको फ्राई कर लिया कबाब को।
और इसके बाद आप ये अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, टिफ़िन बना के दे सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को ऑफिस जाते हुए ये पैक करके दे सकते हैं, तो बड़े लाइट और अच्छे टेस्ट के होते हैं। मिर्ची सब कुछ बड़ा बनाते हुए इसमें आप लोग टेस्ट करके देख लिया, अगर आप लोगों को ज़्यादा मिर्ची स्पाइसेस अच्छी लगती हों तो ज़्यादा चार्ज मिर्ची वगैरह डालने हैं यहाँ पे, कम खाए जाते हैं तो उसे मैंने कम डाली। तो बस तो ये थी मेरी वीडियो, अब इसको मैं पैक कर लूँगी लंच बॉक्स में, तो पैक करके जिनके लिए बनाया है उनको बना के पैक करके उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों कबाबों को निकाल लिया है, टिश्यू पेपर रख के उसको इस तरीके से बॉक्स को मैं पैक कर दूँगी। साथ में मैंने थोड़ी सी खीरा वगैरह काट लिया था, वो दूसरे बॉक्स में मैं पैक कर देती हूँ, थोड़ा सा सेब वगैरह काट लिया था वो भी मैं इस खीरे के साथ ही ना पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने मन पसंदीदा चीज़ें बताइएगा ताकि मैं उस वो इन चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। रेसिपीज़ चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरी वीडियो, और अपनी खास 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 वाली दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय करें और करने दें, ठीक है, बाय बाय।